हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिवीजन। जो भी पहले हम स्टडी कर चुके हैं इस चैनल पे, सो उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ भूल गए होंगे जो मैंने बेसिक ग्रामर पढ़ाया था। तो आज फिर से हम उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को मामूली मत समझना, क्योंकि ये एकदम बेस है इंग्लिश ग्रामर का। और जब हमारा बेस मजबूत रहेगा किसी सब्जेक्ट का, तभी हम आगे जाकर सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इजी हो सकता है। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं एक बार फिर से, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे इंग्लिश ग्रामर में। एकदम इजी हो जाएगा। ऐसी चीज़ें कोई भी बड़े टीचर्स नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि एकदम बेसिक चीज़ बताएं। वो समझते हैं कि जो स्टूडेंट आए हैं मेरे पास वो ऑलरेडी जानते हैं सब कुछ। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीज़ें पता नहीं होता है, लेकिन वो अपने टीचर से कह नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने पढ़ा था पहले अल्फ़ावेट। तो इंग्लिश स्टार्ट होता है अल्फ़ावेट। अल्फ़ावेट में क्या क्या होता है? अल्फ़ावेट में लेटर होता है, फिर लेटर से बनता है वर्ड, फिर वर्ड से बनता है सेंटेंस। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले। वीडियो है अभी इस चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं उस पर, और अभी रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है अल्फ़ावेट। तो अल्फ़ावेट के बारे में जान लेते हैं, इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो अल्फ़ावेट ए टू जेड तक जितने लेटर्स हैं उनके ग्रुप को अल्फ़ावेट कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज, इसका डिफिनेशन है द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ावेट। यानी अक्षरों के समूह को अल्फ़ावेट कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं। ए टू जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसके ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब इन लेटर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है वोवेल, वोवेल, और सेकेंड पार्ट है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अब वोवेल्स में लेटर्स होते हैं, फाइव लेटर्स होते हैं वोवेल में, फाइव लेटर्स A, E, I, O, U। भवेल्स में फाइव लेटर्स होते हैं और कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स होते हैं। यानी इसको छोड़कर द रेस्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, द रेस्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं, यानी बी सी डी एफ जी एच, ये सब लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं। अब देखते हैं वोवेल। यहाँ तो वोवेल हैं, फाइव वोवेल्स हैं, लेकिन इसका जो साउंड होता है एक्चुअली स्पोकन में, जब हम स्पीकिंग करते हैं तो इसको साउंड, वोवेल साउंड होता है 20। लेटर सिर्फ फाइव है लेकिन इसका साउंड होता है 20 साउंड होता है, और कॉन्सोनेंट का होता है साउंड 24 साउंड होता है कॉन्सोनेंट का, जब हम स्पीकिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं। तो यानी दोनों मिलाकर हो गया यहाँ पे 20 और 24, 44 साउंड्स हो गया टोटल इन इंग्लिश। अब अल्फ़ाबेट समझ में आ गया, अब देखते हैं लेटर्स। लेटर क्या है? लेटर क्या है? लेटर हमने देखा अल्फ़ाबेट में कि ए टू जेड तक जितने भी लेटर्स के ग्रुप है उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और उसी प्रकार से लेटर अल्फ़ाबेट का एक हिस्सा है जो नया वर्ड बनाता है, जिसके द्वारा हम, जिसके हेल्प से हम नया वर्ड बनाते हैं और उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द लेटर इज द पार्ट ऑफ
एन अल्फाबेट विच हेल्प्स अस। इसका डिफिनेशन हो गया लेटर का, द लेटर इज द पार्ट ऑफ एन अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। होता है लेटर मीन्स अक्षर, तो लेटर जो होता है वो एक अल्फाबेट का हिस्सा होता है जो हमें नया वर्ड बनाने में मदद करता है। तो इतना क्लियर है। और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अल्फाबेट है ए बी सी यानी जेड तक यहाँ पे लेटर्स हैं, इनमें से हम कोई लेटर्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं बी बी और दूसरा लेटर्स लेते हैं ओ और तीसरा लेटर लेते हैं वाई। यहाँ पे तीनों को हम जोड़ देंगे तो बी ओ वाई, बॉय बराबर लड़का, यहाँ पे लड़का, यहाँ पे एक नया वर्ड बन गया। तो इसी प्रकार से द लेटर इज द पार्ट ऑफ एन अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड, यहाँ पे एक नया वर्ड तैयार हो गया। लेकिन वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे ओ वाई बी जैसे तैसे अपने मन से रख दिया उसको वर्ड कहेंगे, ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड वर्ड क्या है? जिस प्रकार से लेटर से वर्ड बना है तो वही सेम है, लेटर के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं, लेकिन वो लेटर एकदम सही ढंग से सजाया हुआ होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग निकले, वही उसी हम वर्ड कहेंगे। जैसे मन तैसे सजाने से वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर विच। वर्ड का डिफिनेशन ये हो गया, वर्ड का डिफिनेशन, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी अक्षरों का सही ढंग से सजाया हुआ वह समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो यानी जो मीनिंगफुल हो उसे हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे ए टू जेड तक लेटर्स है, इसमें से हम कोई दो तीन ले लेते हैं, जैसे हमने बताया था एग्जाम्पल वहाँ पे बॉय हो गया, कैट हो गया, यहाँ पे इसका मीनिंग मीनिंगफुल है, ये इसका मीनिंग निकल रहा है बॉय मिस लड़। अब ऐसे लिखेंगे टी ए सी कैट, ये रॉन्ग हो गया, वाई ओ बी तो ये रॉन्ग हो गया, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो वर्ड नहीं कहलाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम सीख चुके हैं अल्फाबेट लेटर्स एंड वर्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 8 से 10 मिनट का हो गया है तो अपलोड करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ इतना पर ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में सीखना है वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सभी चीज़ें, तो उसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स।